तो इन दोनों को पता था लाइव जा रहा है इसलिए उन्होंने हाथ होला रखा वरना मियां बीवी है ना भाई।
नाज़रीन बड़ा इन्जॉय किया और एक बार फिर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि खावर प्रोडक्शन के पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। दिल तो नहीं चाहता कि आपसे अलहदा हों, आपसे दूर हों, क्योंकि आप हमें इन्जॉय कर रहे हैं और आप जो बैठ के देख रहे हैं, मैं दिल की आंखों से देख रहा हूँ कि आप लैपटॉप पर, आईपैड पर और अपने 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 मोबाइल्स पर बैठे हुए मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। आपकी मोहब्बतों चाहतों का प्यार भरा शुक्रिया। आप इतनी मोहब्बत देते हैं, इतनी मोहब्बत से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, लाइव देखते हैं, इसे इन्जॉय करते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। और पूरी दुनिया में आज मैसेज दूंगा, आमिर भाई भी हैं, मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर बाज दफ़ा ट्रैक्टर की तरह एक व्हील छोटा और बड़ा हो जाए तो ट्रैक्टर एक जगह रुकता नहीं है, ट्रैक्टर बाहर फसलों में हल चलाता है, बहुत बड़ी ट्रॉली भी खींच लेता है। अगर व्हील छोटा बड़ा हो के भी वो ट्रॉली भी खींच लेता है, तो अगर व्हील ऐसे हों, एक साथ हों, एक जैसे हों, तो हमें ऐसे लोगों से सबक लेना चाहिए। अपनी बीवी पर भरपूर एतमाद करने वाला शौहर, मेरे पास डांस की क्लास लेने आती रही, भरपूर एतमाद था आमिर भाई का। उनको पता है अलीज़ैब तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहू बेटियों की इज्जत और रिस्पेक्ट करने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है मियाँ बीवी का आपस में सेल्फ रिस्पेक्ट और एक दूसरे का एतमाद। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह इनकी जोड़ी को सदा सलामत रखे, अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को नजरे बद से बचाए और इनके दोनों बच्चे, इनकी बेटी, इनका बेटा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और इम्तिहानात में पास हों, अच्छी पोजीशन लें। तो इंशाल्लाह ब्रिटिश एकेडमी स्कूल में संडे को मेरा बहुत बड़ा फंक्शन है, आप में से जो ब्रिटिश से रिलेटेड लोग हैं वो आप आएँ, वहाँ इंजॉय करें, वहाँ भी हल्ला गुल्ला होगा, इंजॉय करेंगे। सर शाहिद एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक हैं और पिछले 20-22 साल से हमारा प्यार है आपस में, तो मैं सर शाहिद के स्कूल के बच्चों को डेडिकेशन दूंगा इस प्यारे जोड़े की, कि अल्लाह ताला आपके माँ बाप में भी वही मिसाली मोहब्बत रखे जो फातिमा तो जहरा सलामुन अलैह और हज़रत अली करम अल्लाह वजू में थी, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खतीजतुल कुबरा में थी, आयशा सदीक़ा में थी। अल्लाह ताला हम सबको अपने रिश्तों के तकद्दस का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। सारा सारा दिन गीबत करने वाले ये मत भूलें कि अगर आप किसी की गीबत करते हैं तो दुनिया मफफाते अमल है, आपकी कोई और ज़रूर बुराई कर रहा होगा। अगर आप माशरे में चलती हुई किसी बहू बेटी को मैली निगाह से देखते हैं तो आपने अपनी बहनों को दीवारों में नहीं चुनवाया, इस माशरे में वो भी मूव करती हैं, इधर उधर जाती हैं, तो दुनिया आखिरत की खेती है। अपने रिश्तों के तकद्दस का ख्याल रखें, अपने दिल को इतना साफ रखें कि हर शख्स आपसे प्यार करे। आप अक्सर कहते हैं कि अली भाई आपके लिए बच्चे जाग रहे होते हैं सारी सारी रात को, ये चीज़ जब उनके लिए दिल से प्यार करेंगे आप, तो आपको दिल से प्यार रिएक्शन में मिलेगा। मोहब्बत एक बॉल की तरह है। आज मेरा एक छोटा सा भतीजा खेल रहा था तो मैंने उससे ये बात सीखी, वो बॉल को जितनी शिद्दत से दीवार पर मार रहा था वो उतनी शिद्दत से वापस आ रही थी। तो मैंने सोचा अपने प्रोग्राम में आपसे ये बात शेयर करूँगा कि मोहब्बत एक बॉल की मानंद है, टेनिस बॉल की तरह है, जिसको जितनी शिद्दत से दीवार पे मारेंगे उतनी शिद्दत से वापस आ जाएगी, उसको बहुत ढीला फेंकेंगे तो वापस आपके हाथ में नहीं आएगी। रिश्ते भी ऐसे हैं, इन रिश्तों को संभाल के रखें, इन रिश्तों को प्यार करें। इससे पहले कि मैं क्लोजिंग पे आऊँ, मैं साइमा जी आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का शुक्रिया, आपकी आँखों में जो नमी थी मुझे अच्छा लगा। अल्लाह ताला आप दोनों को, आपको सदा सुहागन, आपको 100 साल से लंबी उम्र दे और आपको सदा सुहागन रखे, आप दोनों खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में आने का। कोई पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि मैं उस कैमरे पे चला जाऊंगा वाइंड अप पे, तो कोई पैगाम मेरे व्यूवर्स को देना चाहें मेरे शो में? उन्हों के जिन्होंने मुझे इतना इज्जत दी, और यकीन माने कि मैं रात को एक एक बजे दो दो बजे भी शो करके जाती थी, लेकिन बिलीव करें कि कभी इन्होंने ना अपने माथे पे एक बल नहीं लाया कि यार सहमत तुम लेट क्यों हो। तो बस मेरी आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही है कि मुझे इसी तरह अपनी दुआ में याद रखें कि इसी तरह मैं जिस तरह से काम कर रही हूँ, मेरा काम आप लोग देखें और मुझे लाइक करें, पसंद करें। और आज का जो शो है स्पेशली, जो कि मैं आज गेस्ट आई हूँ, तो आप अलीज़ैब का जितना भी आप लोग शेयर कर सकते हैं आज के शो को ज़रूर आप शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि मेरे आने पर इनको पता चले कि वाकई मेरे फॉलोअर्स। बिल्कुल बिल्कुल, आप लाइकी पे, टिकटॉक पे भी शेयर करें, क्योंकि मेरा ये मिशन है कि लाइकी और टिकटॉक पे हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को आम कर दें और अपने वतन के गीत गाएं, अपने पाकिस्तानी गानों को प्रमोट करें। लाइकी पाकिस्तान पे भी
और टिकटॉक पे भी, तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, और खावर प्रोडक्शन का पेज मस्ट लाइक करें, आप फॉलो करें, लाइक करें और उसे शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया साइमा आपका, आमिर भाई आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं आऊँगा अपने नाजरीन की तरफ। नाजरीन, आपकी मोहब्बतों और चाहतों का जो सिलसिला हमेशा मेरे साथ रहा, आपकी ये मोहब्बत आपकी चाहत मेरी रूह का हिस्सा है। आज 7वां एपिसोड था, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीन की 7 तहें हैं पाताल तक, पाताल से लेके हमारे इस अर्श तक, हमारे इस फर्श तक, ज़मीन की 7 तहें हैं, 7 आसमान हैं, पाताल से लेके ज़मीन तक, आसमान से लेके मेरे परवरदिगार तक। ये 7 दिन हैं, 7 रातें हैं, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, सत्य पे सत्ता होता है। तो आज 7वां शो था, कैसा लगा हमें फीडबैक दीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट ये कि रमज़ान करीम में मेरी ये तमन्ना है कि हम, मैं और खावर भाई, खावर प्रोडक्शन, गरीब लोगों को, आम लोगों को, आप लोगों को, हम सारे मिलकर अफ्तारियां करें, रोज़ लाइव शो हो पिंडी में, क्योंकि कराची में, लाहौर में हर जगह से शोज़ होते हैं, पिंडी में नहीं होता। तो स्पॉन्सरशिप में आप अपने सदकात खैरात आप सब गरीबों को दें, लेकिन साथ साथ हमें स्पॉन्सरशिप उन लोगों के लिए दें जो सफ़ेद पोश लोग आके लाइव टीवी में हमें नाच सुनाएं, अपने दिल की बात करें, रमज़ान में रिश्तों को जोड़ें, हम इस रमज़ान में रिश्तों को जोड़ें। आप हमें स्पॉन्सरशिप दीजिए ताकि सुहेल भाई का, खावर भाई का और हमारी टीम का घर का राशन भी चलता रहे। आप हमें स्पॉन्सरशिप देंगे, आपकी मोहब्बतें होंगी तो हम पूरी दुनिया में, हम द अलीज़ेब म्यूज़िकल नाइट जो है इसका बोलबाला करेंगे, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा खावर प्रोडक्शन का बोलबाला करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में खावर प्रोडक्शन वाहिद है जो फेसबुक पर मैजिक मशीन लगा के इतने सारे कैमरों के साथ आप लोगों की तफरी तबाह के लिए आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं। हर बुध को आप लाइव कॉल कीजिए, स्क्रीन पर नंबर हैं। आज खावर भाई लेट थे इसलिए उनका नंबर नहीं था, नेक्स्ट टाइम खावर भाई का भी नंबर होगा, असद का भी होगा। हमें लाइव कॉल कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को कहें ज़्यादा से ज़्यादा खावर प्रोडक्शन का पेज लाइक करें। यूट्यूब पे मेरा चैनल है AliZaib, अलीज़ेब चैनल है, अलीज़ेब सॉन्ग्स लिखेंगे तो चैनल क्लियरली आ जाएगा, उसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि ये वाला प्रोग्राम जो अभी लाइव देख रहे हैं आप फेसबुक पर, ये यूट्यूब पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो खावर प्रोडक्शन के हवाले से ये प्रोग्राम, हमारे प्रोड्यूसर खावर अजीम साहब हैं, उनकी सेहत तंदुरुस्ती की लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ कीजिए, सुहेल भाई की लंबी ज़िंदगी सेहत के लिए दुआ कीजिए, डीजे असद के लिए दुआ कीजिए, सुलेमान आज नहीं है लेकिन आई मिस यू सुलेमान, सनी होते हैं हमारे साथ, खावर भाई की सारी टीम के लिए सेहत तंदुरुस्ती की लंबी दुआएं, और आप सबकी लंबी जिंदगी और लंबी जिंदगी के साथ साथ लंबी लंबी बड़ी 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 खुशियों के लिए अलीज़ेब की तरफ से दुआएं। पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन तमाम क्रिश्चियन भाइयों को खावर प्रोडक्शन की तरफ से, अलीज़ेब की तरफ से, अलीज़ेब चैनल्स की तरफ से गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बरकतें रहमतें नाजिल करें, और आने वाला क्रिसमस आपको मैरी क्रिसमस। और जनाब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू यात्री हैं, हमारे हिंदू हैं दोस्त, क्योंकि मेरे रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप सारे मज़ाहिब का एहतराम करें, तो हम उस आका के ग़ुलाम हैं, इसलिए हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। पूरी दुनिया में जितनी हिंदू कम्युनिटी हैं उनको नमस्ते नमस्कार, और जितनी दुनिया में जहाँ जहाँ सरदार जी हैं, कैनेडा, UK, अमेरिका, पंजाब, उन सबको जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, आप सबको सत श्री अकाल। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अली वाले हैं, फिका जाफरिया से रिलेटेड लोग हैं, आप सबको तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद, आपको अल्लाह पाक गमे हुसैन के अलावा कोई गम ना दे। और पूरे आलम इस्लाम में शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी अहले हदीस, हमारे वहाबी भाई, हमारे सुन्नी भाई, किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी फ़िके के लोग जो हैं, उन सबको आखिर में खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हमें गमे इश्के रसूल के अलावा कोई गम ना दे, अपना और अपने प्यारों का, अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखिए, अपनी इस पाक सरजमीन का ख्याल रखिए, बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी, और सुनने की बात आए तो पाकिस्तानी म्यूज़िक सुन के देखिए, आपके कानों को भला लगेगा, आपकी रूह को ताज़ा करेगा। अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी का हर दिन ईद की तरह खूबसूरत और शबरात की तरह मोतबर हो। सदा खुश रहें, आबाद रहें, चलते चलते अलीज़ेब को दीजिए इजाज़त, चलते चलते अपनी पाक सरजमीन के नाम पाकिस्तान जिंदाबाद।